अब जीरो आकर मुझे कुछ लोग मिलते हैं जिनकी नोज कुछ इस तरह की दिखती है। अब मैं भाई बहुत क्यूरियस हो जाता हूँ और थोड़ी सी रिसर्च के बाद पता चलता है कि ये जीरो वैली के फेमस अपाटानी ट्राइब है और इनका विलेज मेरे होमस्टे से एक्चुअली पास ही है, जिसका नाम है होंग विलेज। तो मैं खुशी खुशी गूगल मैप्स फॉलो करता हुआ पैदल ही अपने होमस्टे से निकल जाता हूँ होंग विलेज की तरफ। लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मुझे नजारे तो बेहद खूबसूरत देखने को मिलते हैं, पर जो विलेज मैंने फोटोज में देखा था वो तो कहीं दिखता ही नहीं है। एक लोकल से पूछने के बाद पता चलता है कि होंग विलेज यहाँ से एक्चुअली 7 किलोमीटर और आगे है और इस गूगल मैप ने मेरा बना दिया है। अब मैं था पैदल और ना ही और चलने की हिम्मत थी, तो वहीं कुछ देर वेट करने के बाद एक लिफ्ट लेकर मैं वापस आ जाता हूँ अपने होम स्टे। हाँ, अब मैं कोई टैक्सी और ऑटो लेकर जा सकता था, पर पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं हुआ। वहीं कुछ देर सुंदर सी वैली देखने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ और आकर अपने कपड़े धोता हूँ, क्योंकि परसों मुझे जीरो से निकलना है और मेरे पास साफ कपड़े खत्म हो गए हैं।